नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुम्ब्रा के रसीद कंपाउंड परिसर में जुबली पार्क इलाका है, जहां आज रात 8 बजे के करीब मुम्ब्रा पुलिस के हद में बीट मार्शल 3 के दो पुलिस हवलदार संस्कार और पोरे के ऊपर लाठी से सहबाज नामक व्यक्ति ने सर पर मारा, यानी हमला कर दिया, जिसको लेकर हंगामा मच गया। लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये है, बीट मार्शल जुबली पार्क श्रीलंका के समीप रसीद कंपाउंड पर गई, वहां राउंडअप के लिए। इसी दौरान संस्कार व पूरे हवलदार दोनों ने सहबाज पर लाठियां चलाने लगे और उसे मारने लगे, और इसी बीच सहबाज नामक व्यक्ति ने पुलिस की लाठी से उनको मारा। मामला लगभग आज 7:30 बजे की है, लेकिन मुम्ब्रा पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची, यानी जुबली पार्क पहुंची, और जिस जगह पर घटना घटी है उसी से लगकर कुछ दूरी पर पतरे की चाल है। उस पतरे की चाल में सहबाज नामक व्यक्ति रहता है। ऐसे में पुलिस वालों को पता चला और पुलिस वहां पर पहुंचकर उनके घर में तोड़फोड़ की। यहां तक महिलाओं का कहना है, हम लोगों को आते के साथ सीधा पुलिस वालों ने हमला कर दिया, यानी मारने लगे। सुनिए इस मामले को लेकर पुलिस के साथ मारपीट के मामले में सहबाज के परिजनों व आसपास के लोगों का क्या कहना है। मेरा भाई तो मेरे भाई को पकड़े, उन लोग डब्बे में रख डाल के सब पुलिस लोग मार रहे थे, तो मेरे भाई ने भी उन लोग को मारा, मार के इधर गए। हम लोग को नहीं मालूम वो लोग इधर आए, हम लोग के साथ में मारपीट करे, पूरा घर तोड़म फाड़ी, देखो अंदर सामान पूरा टूट फूट के पड़ा है। देखो वो वाले घर में घुस के मारा हुआ, अंदर जाके बहुत सारे थे, ये नहीं मालूम कितने थे, मगर बहुत सारे थे, और सब हाथ का पाई कर रहे थे, सबको मारे थे, पूरी यहाँ की पूरी पब्लिक देख रही थी। जो बोलने को आया वो आदमी, बोलने को आया वो आदमी को डंडे से मारा है। उम्र भी नहीं देखता है, बताइए कौन बाप की उम्र का है, कोई नाना की उम्र का, कोई उम्र नहीं देखेगा। चला हम लोग का छोकरा जैसा पुलिस सब है, अब वो समझता है किसी के ना, बाप की उम्र वाले को मार देता है, बताइए। यही हुकूमत है मोदी का, कुछ नहीं। और भाई का तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, इधर पे कोई बाहर नहीं भटकता है, तो तुम्हारा हाथ नहीं बनता है किसी को हाथ लगा। लेडीज पुलिस नहीं आई थी यहाँ पे, पूरी 40-50 जेंट्स, पूरी जेंट्स पुलिस थी। हम लोग बोल भी रहे जेंट्स का अलाउड नहीं है कि लेडीज को मारेगा, सीधा बोलते कैसा उठाए। हम लोग तो हाथ नहीं उठाए ना तुम्हारे ऊपर, हम तो तुमको कुछ करने आए नहीं ना रोड पे, तो तुम्हारा हाथ बन के हमारे को घर में घुस के मारने का कैसा। देखो ना, देखो सूज गए पूरा हाथ। जेंट्स पुलिस का अलाउड थोड़ी है लेडीज को मारने का, लेडीज लाते ना तुम, और आएगा और मारेगा, अभी फिर हम लोग क्या जाने का। हड्डी टूट गई है उसके हाथ की, आता ही मारने लगे नहीं, घर में घुस के पूरा तोड़न ताड़ी कर, हम लोग रोकने लगे तो हम लोग को मारे। अंदर जाओ ना, अंदर जाके इनको भी एक डंडा मार दिया उधर जाके। पूरा घर का देखो, पूरा सामान की बर्बादी हुई, और पैसा भी था, 900 रुपया कैश भी था, राशन का मेरे, वो भी उन लोग ने लेके गए। ऊपर हमला नहीं किया, उसको डब्बे में डाल के 5-6 पुलिस वाले मारे, सहबाज नाम, हाँ, तो वो अपनी जान बचा के भागा, तो पुलिस वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग के ऊपर हाथ छोड़ा, हम लोग बोलने के लिए तो हमारे घर में घुस के हम लोग के ऊपर डायरेक्ट हाथ उठाए, मेरे हाथ की हड्डी भी तोड़े डंडे डंडे से मार के, 2-3 डंडा मेरी बहन को भी मारे, पूरी पब्लिक गवाह है यहाँ पे, सीधा मारना चालू कर, सीधा हम लोग के ऊपर लकड़ी डाल सीधा मारना चालू कर, कुछ नहीं पूछे, घर में तोड़ ले, हम लोग को ऊपर से परमिशन मिला है, सीधा हम लोग 5 किलो गांजा डाल के इन लोग के ऊपर केस बनाई, पूरी पब्लिक के लिए 5 किलो गांजा एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, हम लोग इनके ऊपर 5 किलो गांजा का केस डाल के केस बनाए। तो आपने सुना, बीट मार्शल 3 के दो हवलदारों पर सहबाज की झड़प हुई। पुलिस वालों का कहना है, पुलिस के डंडे से सहबाज ने पुलिस को ही मारा, जिससे गुस्साई पुलिस सहबाज को ढूंढने उसके घर गई, और वहां पर क्या हुआ ये महिलाओं ने आपको बताया। लेकिन वही मुम्ब्रा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक तो कोरोना का भय मंडरा रहा है, सता रहा है, और सीनियर पुलिस अधिकारी व 3 और पुलिस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके चलते पुलिस खुद कम हो गई है। हमें भी डर है, मगर हम आप सबको सुरक्षित रखने के लिए तैनात है, और आप लोग हम पर हमला करेंगे तो हम लोग भी नहीं आएंगे। बहरहाल जिस तरह से आज पुलिस पर हमले को लेकर मामला सामने आया है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सुनकर दुख हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।